comparative analysis that economies are altogether greater than the diseconomies. So production will increase by more than the amount of factors are increased. Labor and capital both are increased. Under long run theory of production, that in returns to a scale, both labor and factor are increased. In the short run, capital is constant and labor is increased. But in the long run, both labor and capital are increased. But by increasing this, there are operations of economy and diseconomy. If altogether economy exceeds diseconomy, externality exceeds what positive and negative externality, whether externalities are there or externalities are fully utilized. So all these factors will influence externalities as well as economies of a scale. If it is greater than this economy of a scale, then alpha plus beta is greater than 1. Alpha means elasticity of labor and beta means elasticity of capital. Two factors are there. So what is elasticity of labor and elasticity of capital? It is efficiency. You can say alpha is efficiency of labor and beta is efficiency of capital. So this efficiency, if their alpha and beta efficiency is greater than 1, then it is all good. Industrial sector will be in progress. Agriculture sector will be in progress. That they invest alpha and beta by the lesser amount, but they get the production by the larger amount of labor and capital which I used earlier. So these three stages are most important factor. And now we can examine this constant industrial scale with the help of Cobb-Douglas production function. So it has मिटा दीजिए पूरे पूरा मिटाइए पूरे को मिटा दीजिए कंप्लीट मिटाइए So we are now well known to the long-term production theory that is known as laws of returns to a scale. There are three laws of returns to a scale: increasing returns to a scale, constant returns to a scale, diminishing returns to a scale. In Hindi mein log kahenge पैमाने के प्रतिफल का वृद्धिमान, वृद्धिमान, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल है ना, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट के, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट के,
पैमाने का हर आसमान प्रतिफल डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल. इसका हम लोग जो बीच वाला है कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल पैमाने का स्थिर प्रतिफल, इसको कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन Q is equal to lambda L alpha K beta mu. यहाँ Q का मतलब होता है total production. Total production. L का मतलब होता है labor, श्रमिक. K का मतलब होता है कैपिटल. अल्फा बीटा लैम्डा म्यू ये सब है कांस्टेंट. कांस्टेंट है सभी, क्या है कांस्टेंट है. लैम्डा समझ लीजिए टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है जो कांस्टेंट है. अल्फा समझ लीजिए इफिशियंसी ऑफ लेबर है, इफिशियंसी ऑफ लेबर है. बीटा जो है वो इफिशियंसी ऑफ कैपिटल है, और म्यू है इसको क्या बोलते हैं म्यू. म्यू का मतलब होता है रैंडम डिस्टर्बेंस, अचानक भूकंप हो गया रैंडम डिस्टर्बेंस, अचानक भूकंप हो गया है ना. हम लोग पटना के ऐसे एरिया में रहते हैं जो अपर लैंड कहलाता है ना. राजेंद्र नगर जो है वो कंकड़बाग के लोअर लैंड. तो हम लोग का एरिया जो है इसमें सड़क बहुत ही कम चौड़ा है, तो बड़ा बड़ा कार वाला अगर आता है तो उसको रोड पर ही उतरना होगा, तब पैदल चल के हम लोग के घर में आता है. अब बुदबुदाते हुए आता है और क्या है बुदबुदा रहता है, पैदल आ रहे हैं, कार फंसा हुआ है, जहां लगाते हैं वहां ऑटो वाला के धक्का मारने. तो बातचीत से हमको एहसास दिलाता है कि आपका एरिया इंफीरियर है. मुझे सुपीरियर कौन एरिया छोड़ा, राजेंद्र नगर जहाँ की फर्स्ट फ्लोर डूब गया, बोला बोरिंग रोड जहाँ की फर्स्ट फ्लोर डूब गया, कंकड़बाग जहाँ डेढ़ फ्लोर डूब गया. तो डेढ़ फ्लोर डूबेगा तो सेकेंड फ्लोर वाला भागेगा ऊपर, और सब जगह पानी जो है वो तो दो दिन और अगर बरसात होता तो हम फेसबुक पर ऑफर दिए थे कुछ लोगों को कि आप आ जाइए हमारे घर में, दिक्कत कुछ नहीं हुआ, आराम से खाई पी रही है, परंतु अब पानी निकल रहा है. तीन दिन और बरस जाता तो मुश्किल हो जाता. तो ये कहता है नेचुरल कैलेमिटी. अब कोई आदमी कहता है कि नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, ये बदमाशी है, नाली साफ नहीं किया तो नाला में डूब गया. हम भाई ने कोई कोई चीज अचानक हो जाए तो उसी को नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं. अब रेड टेपिजन के कारण हो गया जिस कारण से. तो कहता है कि अचानक धूल की आंधी आ गई, अचानक धूल की आंधी आ गई कहां इंग्लैंड में ग्रेट ब्रिटेन में. अब वहां सब फसल नष्ट हो गया. तो गोल्डन एज ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो डिप्रेस्ड एग्रीकल्चर में इंग्लैंड में बदल गया. किस कारण से? डस्ट स्टॉक. तब इसी तरह से सराहत है, अगला सर खुश था कि चल रहे डस्ट स्टॉर में है, आ गया स्नो स्टॉर. स्नो स्टॉर में फिर फसल नष्ट हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति किसान की खराब हो गई. गोल्डन जो एग्रीकल्चर का था वो गिर के हो गया डिप्रेस्ड. तो जब इंग्लैंड में डस्ट स्टॉर आ सकता है, स्नो स्टॉर आ सकता है,
तो हमारे यहाँ ये सब चीज तो मामूली चीज है, इसलिए इसे घबराना नहीं है। नेचुरली ऐसा माना जाता है कि म्यू इज कॉन्स्टेंट, ऑन एन एवरेज क्या होगा, म्यू इज कॉन्स्टेंट। अब आप देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि अगर लेबर को लैम्डा से बढ़ा दें और कैपिटल को भी लैम्डा से बढ़ा दें, तो हमारा इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू, यही है ना। अब इसमें हम लोगों का लैम्डा तो पहले से वो है, इसको हम लोग बढ़ा दिए, लैम्डा एल कर दिए, पावर हो जाएगा इसका अल्फा, लैम्डा के कर दिए, पावर हो जाएगा बीटा म्यू। अब इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो लैम्डा यहाँ हो जाएगा लैम्डा टू द पावर अल्फा, एल टू द पावर अल्फा, लैम्डा टू द पावर बीटा, के पावर बीटा म्यू। अगर इसको और डेवलप करेंगे तो लैम्डा अल्फा प्लस बीटा, ये वाला और ये वाला इस तरफ ले लीजिए, और तब बच गया ये लैम्डा एल एल अल्फा के बीटा म्यू। अब गौर से देखिए कि लैम्डा अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला जो है ये क्या है, क्यू है, यहाँ वो पूरा एक टर्म किसे एक बराबर जाएगा, क्यू के बराबर। तो अब प्रूव हो गया कि लैम्डा अल्फा प्लस बीटा अगर वन है, क्योंकि फॉग डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन में अल्फा प्लस बीटा वन माना गया है कॉन्स्टेंट returns to scale, constant returns to scale, ये assumption, ये क्या है, assumption है Cobb-Douglas production function, Cobb-Douglas production function जो है उसमें एजम्पशन क्या माना गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन, तो हर हालत में यह साबित होता है कि अल्फा प्लस बीटा के अंतर्गत अगर हम उत्पत्ति के साधनों को लैम्डा से बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से टोटल प्रोडक्शन लैम्डा से बढ़ जाएगा, और इससे साबित होता है कि कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट्स व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन, एंड दिस इज फाउंड इन कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर हो गया ना सर, दैट्स ऑल, थैंक यू, अनिल देवी।